हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 4 हिंदी ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टूडेंट। तो आज हम पार्ट 12 करेंगे। 11 देखा हमने भेड़िए वाला, शायद आपने लिख भी लिया होगा। तो अब आएगा पार्ट 13 जो है गौरी। तो चलो आज हम उसका पार्ट देखें। तो स्टूडेंट, आपका पार्ट 13 जो है गौरी। गौरी पता है किसका नाम है? गाय का। तो डेट लिख दीजिए पहले आप सब पेंसिल हाथ में। हम जैसे क्लास में कर रहे थे ना, ऐसे ही स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट, प्रथम मैं आपको शब्दार्थ समझाऊंगी। तो हिंदी का इंग्लिश लिखा हुआ है, जैसे हैं हमारी तो उनको बोलते हैं, और इसे उनको बोलते हैं हर। बहुत, टू मच। दुधारू यानी बोलते हैं मिल्च। गाय का जो बछड़ा होता है उन्हें बोलते हैं इंग्लिश में काल्फ। उसका है हम यानी वी। चलो तो पाठ चालू करें। यह हमारी गाय है, हम इसे गौरी कहते हैं। ये इन लोगों की गाय है तो गाय का नाम डाला है गौरी। गौरी बहुत सीधी गाय है। कैसी गाय है? सीधी यानी कि बोली भाली, अच्छी। वह दुधारू है। दुधारू यानी कि बहुत दूध देने वाली हो उन्हें दुधारू बोलते हैं, जिसमें से बहुत दूध निकलता है। वह रोज 6 से 7 लीटर दूध देती है। गौरी को एक बछड़ा है। गाय को एक छोटा सा बछड़ा है। गौरी यानी गाय का नाम है और उसके बछड़े का नाम क्या है? लालू। तो हम उसे बहुत प्यार करते हैं। आपको भी गाय का बछड़ा पसंद आता है ना? फिर है उनकी एक्सरसाइज। तो नंबर 1 है, हिंदी शब्दों के सामने अंग्रेजी शब्द लिखिए। तो चलो बच्चों, अगर आप मैं बोलूं और लिख सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो चलो मैं बोलती हूँ, आप लिखिए। बहुत, टू मच। बछड़ा, काल्फ। दुधारू, मिल्च। हम, वी। अब है नंबर 2 की एक्सरसाइज। नंबर 2 की एक्सरसाइज में लिखा है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो स्टूडेंट, एक मेरी बात ध्यान से सुनिए। प्रश्न के उत्तर आपकी वर्कबुक में एक्सरसाइज लिख लेनी है। फिर नोट में हमें सिर्फ एमसीक्यू लिखना है, क्योंकि आपकी वर्कबुक में प्रश्न के उत्तर लिखे हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा। नंबर 1 है, गाय का नाम क्या है? गौरी। तो पूरे सेंटेंस में उत्तर एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे तो मार्क मिलते नहीं हैं, आधे मार्क मिलते हैं। तो पूरे सेंटेंस में लिखना है। नंबर 2, गाय कैसी है? गाय बहुत सीधी है। नंबर 3, गाय रोज कितना दूध देती है? 6 से 7 लीटर दूध देती है। 4, लालू किसका नाम है? उसके बछड़े का नाम लालू है। फिर है एक्सरसाइज 3। इसमें लिखा है, दूध देने वाले अन्य प्राणियों के नाम लिखिए। जो प्राणी दूध देते हैं उनके नाम बताइए। जैसे मैंने लिखा है, गाय, बकरी, भैंस एंड ऊंट।
तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है। अब आपको ये पार्ट लिख लेना है एक्सरसाइज में, नो वर्कबुक में और नोट में एमसीक्यू। थैंक यू स्टूडेंट।